रवीश रवीश कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर ही था, अभी कहाँ गया पता नहीं। मुझे बात करनी है उससे। क्या आप लोग ढूंढेंगे उसे? हम अंदर रूम में देखते हैं, आप लोग देखिए बाहर अगर कहीं मिलता तो। मैं किचन में देखती हूँ। मैं आ देखती हूँ। रवीश 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 किचन में नहीं है, ऊपर टेरेस पर भी नहीं है, गार्डन में भी नहीं है। कहाँ जा सकते हैं? से बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा था ना मैं लौट के आऊंगा, आ गया। कर अपने मन की, मैं अपने मन की करूंगी। यही थी वो तीर्थ यात्राएं जिन पर आप जाया करती थी? हाँ, ताकि इन्हें झूठ बोलकर दोहरी जिंदगी जो जीनी थी। मुझे इन दोनों को उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मुझे इन दोनों के बारे में पता चला था। कर्नल साहब की पत्नी जरूर थी मैं, पर इस औरत की वजह से पत्नी होने के बावजूद मैं दूसरी औरत बनकर रह गई। और रवीश, इस लड़के की वजह से तुझे कभी खुशियां नहीं मिली। अतर्व ठीक हो के आ गया, माँ के पास आ गया। मेरा दिमाग मेरी यादें दफन कर चुका है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तू ही मेरी माँ है।
एक बेटे को बचाकर उसे उसकी मां दे दी और दूसरे बेटे से मां छीन ली मैंने, एक ऐसे बेटे से जिसने बहुत इज्जत दी। मां, उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि माधव को भी मारने की कोशिश की। अपने बेटे के प्यार के लिए उन्होंने ऐसा किया। मेरे भी तो खून में हाथ डुबो दिया अपने बेटे के लिए। चाची, आपने जो भी किया वो जान लेने की नहीं, जान बचाने की नियत से किया। जी बुरी नहीं थी, सच कह रही हूं। कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले रवीश की गवाही का इंतजार करेगी और उसकी गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। रवीश मेरे खिलाफ गवाही देगा? अभी तो वो गायब है मां, लेकिन उसकी गवाही जरूरी है हमारे लिए। बेटा, उसका गुस्सा तो जायज है, माँ चाहे जैसी भी हो माँ तो माँ होती है। एक बात सिर्फ तुम दोनों से कहना चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो मुझे मंजूर है। मैंने जुर्म किया है तो सजा तो मुझे भुगतनी ही होगी। तुम ठीक हो, विविधा ठीक है, मेरा माधव ठीक है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, रवीश का ख्याल रख, उसे तुम दोनों की बहुत बहुत जरूरत है, रखोगे ना? मां, लेकिन कोर्ट का फैसला काफी हद तक, मैंने कहा ना, कोर्ट का फैसला जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, जिस औरत को मैं अपनी मां समझता था उसे तो मैं अब खो चुका हूं। जिस मां की याददाश्त नहीं है उसे अब खोना नहीं चाहता। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।